Hi all, today Dr. Mahesh Mahajan is presenting Omkar Kanitkar, the voice of India, the youth of the future voice of India. Thank you. Hi Sid. Hello. And रोज होम्योपैथी होम्योपैथी नहीं, आज थोड़ा संगीत सीखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और लेट अस एंजॉय दिस वंडरफुल मोमेंट्स. एंड शी इज ओमकार्स प्राउड मदर. This is the studio of Omkar and today I was just here. She is my family friend and I am a big fan of Omkar. So let us see how वो पियानो से क्या करता है और गाता है कैसे, क्या सब कुछ. क्या बात है, क्या बात है. आई होप एवरी वन एंजॉयड दिस सॉन्ग. दिस इज एब्सोल्यूट हारमोनी एंड आफ्टर दिस सॉन्ग आई विल टॉक अबाउट हारमोनी. वॉट इज हारमोनी, वाई दिस वर्ड हारमोनियम केम, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हारमोनियम केम एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रूब्रिक हारमोनी डिजायर फॉर स्टे ट्यून्ड. हम लोग हारमोनी और हारमोनियम के ऊपर जाएंगे. जैसे मैंने वो ओमकार जो हारमोनियम बजा रहा था, तो ये वर्ड हारमोनियम आया कहां से. हारमोनी में वो सारे गम पद नी सा, ऐसा सात सुर है, अलग अलग सुर है. अंडरस्टैंड दिस, दे हैव सेवन ट्यून्स बट व्हेन दे कम टुगेदर इट बिकम्स अ मेलोडी. डू यू एग्री विद दिस. व्हेन दिस सेवन क्या बोलते, आई डोंट नो द वर्ड, डो रे मी फा सो ला टी डो, दिस सेवन सुर जो है ये उनका अलग अलग है. जैसे ये एक दो तीन चार पांच उंगलियां हैं, ये अलग अलग है. और ऐसे ही
अलग अलग उंगलियों का अलग अलग काम होता है, लेकिन जब एक साथ बन जाती है, वो मुट्ठी बन जाती है, तो हारमोनियम कब आता है? जब हारमोनी होती है. व्हाट इज हारमोनी? वी हैव अ रूब्रिक इन होम्योपैथी, हारमोनी डिजाइव्स फॉर, जहां पे ये बंदे को अलग अलग पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी जब सब तालमेल में रहेंगे, अलग अलग लोग जब तालमेल में बात करेंगे, रहेंगे, सब एक साथ खाना खाने में बैठेंगे, खानेंगे, पिएंगे, तू तेरा काम बोल, तू तेरा इंडिविजुअलिटी अलग है, मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, फिर भी हम जब एक दूसरे को एडाप्ट करके, एक दूसरे को एडजस्ट करके, खुशी से एक सुपर ब्यूटीफुल मेलोडियस ट्यून से बातें करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग होम. जहां हारमोनी होती है वहां होम होता है. सिर्फ चार वॉल से होम नहीं होता, चार वॉल में एक हाउस भी होता है, लेकिन होम किसको कहते हैं? जहां पे चार अलग अलग सर है, अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, अलग अलग सुर है उनका, लेकिन जब एक साथ बैठते तो तालमेल लगता है, म्यूजिक लगता है, नॉइज नहीं लगता है, म्यूजिक लगता है. ऐसे लोग होते हैं जहां पे उन लोगों को ये हारमोनी की जरूरत होती है, वो होती है हारमोनी डिजायर्स फॉर मे से रेमेडीज. बाद में हम लोग सब देख लेंगे. द अंडरस्टैंडिंग इज एवरी सिंगल थिंग ऑफ म्यूजिक मस्ट बी कंपेयर्ड विथ होम्योपैथी, बिकॉज दिस म्यूजिक हैज 7 नोट्स एंड वी होम्योपैथ्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी नोट ऑफ अ रेमेडी, एवरी नोट ऑफ दैट रूब्रिक. और जब वो सब सिंक्रोनाइज होगा ना, तब सिमिलिमम आपको मिलेगा. एंड दिस इज व्हाई आई आस्क्ड यू व्हाट इज हारमोनी. तो हारमोनी होगी सात ट्यून, टै 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 टी टी टू टू, उसको हारमोनी बोलते हैं. जहां पे म्यूजिक भी बजेगा, टोन्स जब बीट हो जाएंगे तब म्यूजिक बनेगा, उससे हारमोनी बोलते हैं. टोन्स बीट होने का वहां कुछ म्यूजिक नहीं होने, एकदम बेसुर होता है, वो बेसुर होना हारमोनी नहीं है. तो इसीलिए मैंने ये जानबूझ के वीडियो बनाया उस उन होम्योपैथ्स के लिए जिनको हम लोगों को यह समझाना है कि जब हम लोग पेशेंट्स के साथ बात करते तो मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, रूब्रिक्स, की नोट सिम्टम्स, लोकेशन, सेंसेशन, सबको मिलके जो एक हारमोनी बनेगी, तब उस रेमेडी की जान बनेगी, कोर होगी, सिमिलिमम होगी एंड आइडियल क्योर होगा. दिस इज हारमोनी. थैंक यू ऑल, लव यू ऑल. अरे हाँ, और एक प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल बी कमिंग अप विद वीडियोस. सो इन दिस ऑस्पिशियस डेज ऑफ गणेशोत्सव, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. आपको सबको गणपति बप्पा बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं दें, और जस्ट यू आर, वी आर ब्लेस्ड टू बी द बप्पास डिवोटी. थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल.